हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर वन, एक्ट्रेस मंदिरा वेदी के पति और फिल्म मेकर राज कौशल का बुधवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। परिवार के करीबी दोस्त ने राज के निधन की पुष्टि की। उन्होंने ये भी बताया कि राज को सुबह 4:30 बजे हार्ट अटैक आया था और राज ने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। राज के निधन की खबर आने के बाद से ही कई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज सुबह 11 बजे राज की उनके घर से अंतिम यात्रा निकली, जिसके कुछ पिक्चर्स भी सामने आए। नंबर टू, एक्टर रणवीर सिंह उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जो लगभग कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने एक्शन से भरपूर एडवेंचर शो के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि वो ब्रिटिश एडवेंचरर बियर ग्रिल्स के साथ नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोलैबोरेशन नेटफ्लिक्स द्वारा किया जा रहा है, हालांकि इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। नंबर थ्री, लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को एक बार फिर से सांस लेने में दिक्कत के चलते खार के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल किया गया है। दिलीप कुमार को डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। आपको बता दें कि दिलीप साहब की फैमिली से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि दिलीप कुमार का हीमोग्लोबिन भी कम हो चुका है और ऐसे में उनकी उम्र और तमाम तरह की जाँच के लिए उन्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। नंबर फोर, पिछले काफी समय से फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म तूफान चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने एक बॉक्सर अजीज अली का रोल निभाया है और अमेजोन प्राइम पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि ये भी फिल्म के नाम की तरह तूफान ही है। फिल्म की कहानी एक बॉक्सर के जिद और जुनून को दिखाती है। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और परेश रावल भी हैं। ये फिल्म 16 जुलाई को अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो रही है। नंबर फाइव, बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाने वाले एक्टर नसरुद्दीन शाह के बारे में बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उनको मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबर है कि नसरुद्दीन शाह को निमोनिया हुआ है और उनके फेफड़ों में पैच भी पाया गया है। नसरुद्दीन शाह की पत्नी और एक्ट्रेस रत्ना पाठक और उनके बच्चे भी हॉस्पिटल में लगातार मौजूद हैं। वहीं नसरुद्दीन शाह की मैनेजर ने बताया है कि उनकी स्थिति अभी स्थिर है और इलाज का असर हो रहा है। नंबर सिक्स, प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 23 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज होगी। आज सोशल मीडिया के जरिए मेकर्स ने जानकारी दी कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी। साथ ही फैंस के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इस फिल्म का ट्रेलर कल यानी 1 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। नंबर सेवन, एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी कारण से खबरों में बनी रहती हैं और हाल ही में उन्होंने अपने पासपोर्ट की वजह से सुर्खियां बटोरी, लेकिन आपको बता दें कि अब कंगना को अपना पासपोर्ट वापस मिल गया है। कंगना ने फिल्म धाकड़ के डायरेक्टर रजनीश घई के साथ एक फोटो शेयर कर इस बारे में फैंस को बताया। नंबर एट, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग पूरी की है, मगर अब इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद आलिया अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई हैं। आलिया की अगली फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के होम प्रोडक्शन में बन रही डार्लिंग्स है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर इस फिल्म की स्क्रिप्ट हाथ में लिए हुए एक फोटो शेयर की है। उनकी इस अनाउंसमेंट से फैंस का एक्साइटमेंट भी और बढ़ गया है। फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक माँ बेटी की कहानी है जिनकी जिंदगी कई तरह के उतार चढ़ाव भरे हालातों से गुजरती है। नंबर नाइन, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को हाल ही में स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान आगे बढ़कर तमाम लोगों की अलग अलग तरह से मदद की। उर्वशी को राजभवन में महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया। उर्वशी ने इनकी पिक्चर्स और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। आपको बता दें उर्वशी फिल्म फ्रेटर्निटी से ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस बन गई है। एंड नंबर 10, तमिल फिल्म रत्सा सन को पसंद करने वाले करोड़ों फैंस हैं और इस फिल्म को बेहतरीन साइको थ्रिलर फिल्म होने का टैग मिला है। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में विष्णु विशाल, अमाला पॉल और मुंशी कांत जैसे स्टार्स ने काम किया था और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रत्सा सन का हिंदी रिमेक बनाने की तैयारी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो विष्णु विशाल के रोल में नजर आएंगे, तो वहीं फिल्म में अक्षय के साथ एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह को भी कास्ट करने की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पर काम शुरू हो चुका है और इसी साल अगस्त में फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग है। ये शूटिंग लंदन में होगी और इस फिल्म का डायरेक्शन रंजीत तिवारी करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।